तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टिकटॉक के फॉलोअर्स और लाइक हम कैसे बढ़ाएं 2020 में। काफी लोग यही सवाल पूछ रहे थे और कुछ लोग गलत फहमी में हैं कि बस कुछ ही सेकेंड में ऑटोमेटिकली हम अपने टिकटॉक के फॉलोअर्स लाइक्स को बढ़ा सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है, सभी चीजों के बारे में बात करेंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना। मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल EF। तो एक जानकारी आपको और दे दूं जो काफी लोग पूछ रहे थे मुझसे कि हेलो ऐप से पैसे कैसे कमाए जाते हैं और कितने कमा सकते हैं। तो वेबसाइट पर मैंने एक पोस्ट लिखी जिसमें हिंदी में आपको बताया कि हेलो ऐप से पैसे कमाने के कितने तरीके हैं और उससे आप कितने पैसे कमा सकते हैं, कैसे यूज करें, टिकटॉक की तरह वीडियो बनाकर या फिर पोस्ट कर रेफर करने के भी आपको 300 रुपए तक हेलो ऐप दे रहा है। तो जाइए डिस्क्रिप्शन चेक करिए वीडियो देखने के बाद। तो मेन टॉपिक है हमारा टिकटॉक के फॉलोवर्स और लाइक कैसे बढ़ाएं। तो सबसे पहले आपकी गलतफहमी दूर कर दूं, जो आप यूट्यूब पर वीडियोस काफी सारी देखते हैं, गूगल पर भी आप सर्च करते होंगे, तो आपको एक चीज क्लियरली बता दूं, अगर आप ये सोचते हैं किसी भी वेबसाइट की मदद से या किसी भी एप्लीकेशन की मदद से टिकटॉक के फॉलोवर्स और लाइक्स को गेन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो आप गलत है। बढ़ा लेंगे लेकिन वो बेकार होंगे, फालतू होंगे, जिसका कोई भी मतलब नहीं होगा। सिंपल सी बात है, काफी लोग आपको यूट्यूब पर ये ट्रिक बता दे, कोई भी ऐप इस्तेमाल नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको टिकटॉक पर जाना है, लोगों की प्रोफाइल में जाके लोगों को फॉलो करना है, उसके बाद वो लोग आपको फॉलो करेंगे। काफी लोग आपको ये बता दे कुछ ऐप्स ऐसे हैं प्ले स्टोर में या फिर प्ले स्टोर के बाहर से या फिर ऐसी वेबसाइट है जहां पर आपको अपना टिकटॉक अकाउंट लॉग इन करना होगा और उसके बाद आपको वहां पर कुछ कॉइन्स लेना होंगे और वो कॉइन्स आपको कैसे लेना है, लोगों को लाइक्स करके, लोगों के पोस्ट पर कमेंट करके, लोगों के प्रोफाइल को फॉलो करके। तो सेम यहां पर भी वही हिसाब है, लोगों को आप फॉलो करेंगे और आपको कॉइन्स मिलेंगे और आपकी जो प्रोफाइल है वो प्रमोट करेगा आपका ऐप, फिर बाकी लोग आएंगे वो भी अपने कॉइन्स बढ़ाने के लिए आपको फॉलो करेंगे, आपको लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे। तो थोड़ा सा आप यहां पर दिमाग लगाइए आपका इसमें फायदा क्या है, क्योंकि यहां पर तो सब लाइक्स और सबको फॉलो चाहिए, तो आपकी वीडियो कौन देखेगा भाई, टिकटॉक उसको वायरल नहीं करेगा। आपका टिकटॉक पर तभी फायदा है जब टिकटॉक आपकी वीडियो खुद वायरल करता है और जो आपके पास ऑडियंस आती है, जो आपके फॉलोवर्स आते हैं वो बिल्कुल जेन्युइन हो, तभी तो आपका फायदा होगा ना, तभी तो आप रैंक करेंगे टिकटॉक पर, ऐसे नहीं करेंगे फॉलो बैक करके। तो ऐसी कोई भी आप ट्रिक इस्तेमाल करते बिल्कुल फालतू की, अगर आपको कोई बता रहा है कि आपको बेंचमार्क मिल जाएगा जो इस तरह का होता है, बस आपको ये ट्रिक इस्तेमाल करनी है, ये भी आपकी गलत फहमी है। आप इन सब चीजों के पीछे मत भागिए, आपका कुछ भला नहीं होने वाला। आपको जो सही तरीका है वो बता दूं कि आप टिकटॉक पर फॉलोअर्स कैसे बढ़ा सकते हैं, लाइक्स आपको कैसे मिल सकते हैं। सबसे पहली चीज ये है, आपके पास कंटेंट क्या है, आपके पास टैलेंट क्या है। टिकटॉक पर सिर्फ डांस या ठुमके लगाने के लिए नहीं है टिकटॉक पर, ऐसी अब देखा जाए टिकटॉक पर ऐसे काफी सारे लोग हैं जो अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छी नॉलेज शेयर कर रहे हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप किस सब्जेक्ट में टॉप पर हैं, यानी कि आप मैथ में क्या हैं, जो भी चीज में आप हैं, तो आप टिकटॉक पर मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लोगों को एक 30 सेकेंड के वीडियो में काफी सारी चीजें बता सकते हैं। इसके अलावा आपको एक्टिंग अच्छी आती है तो आप एक्टिंग कर सकते हैं, लिपसिंग यानी कि एक्टिंग अगर आपको आती तो आप लिपसिंग कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप खुद की एक्टिंग भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये ज्यादातर देखा है टिकटॉक पर, जिन लोगों को एक्टिंग नहीं आती है, जिन लोगों को वो टैलेंट ही नहीं है, वो लोग भी लिपसिंग कर रहे हैं। भाई लिपसिंग आपकी नहीं चलेगी वहां पर, लिपसिंग उन लोगों की चलेगी जो टैलेंटेड है, जिनके अंदर कुदरती एक्टिंग है, और जो लोग सेलिब्रिटी हैं उनकी ही भाई वहां पर लिपसिंग चलेगी, आप वायरल नहीं होने वाले हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको एक्टिंग नहीं आती लेकिन टिकटॉक पर हमें वीडियो बनाना है, वायरल होना है, अब आपको ये देखना है आप लोगों को क्या समझा सकते हैं, क्या सीख दे सकते हैं। अब एक चीज मैं आपको आइडिया बताऊं, टिकटॉक पर हमेशा वो वीडियो तेजी से वायरल होती जिसमें आप थोड़ी सी स्टोरी डालें। अब स्टोरी टाइप की आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जो छोटी सी स्टोरी होती है, जैसे कि भाई भाई कोई मेरे दोस्त को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कुछ ऐसी चीज जिससे लोगों को सीख मिले। अगर किसी को सीख मिल रही है तो वो लोग वीडियो देखना पसंद करते हैं, उसको शेयर किया जाता है। जब लोग उसको एक बार नहीं दो बार देखते हैं ना, तो टिकटॉक का जो सिस्टम है उसको लगता है कि ये वीडियो अच्छी है, तो उसका सिस्टम जो है वो खुद ही आपकी वीडियो को वायरल करता है और लोग उसको फिर शेयर भी करते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या है, आपने कंटेंट देख लिया, आपने ये डिसाइड कर लिया कि भाई हम ये करेंगे, और एक चीज़ और बता दूँ, जो चीज़ आप कर रहे हैं ना वही करिए। अगर आप फनी वीडियोज़ बना रहे हैं तो फनी वीडियोज़ बनाइए,
एक्टिंग कर रहे हैं, लिपसिंग कर रहे हैं, वो भी करिए, वो फनी में भी मिक्स हो जाती है। लेकिन अगर वहां पर आप कोई टैग कैटेगरी की चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहे हैं, आजकल टिकटॉक पर टैग कैटेगरी भी बहुत चल रही है, वहां पर अगर आपको लगता है कोई भी ऐसी टिप्स ट्रिक्स बता सकते हैं या कोई भी ऐसी चीजें आप बता सकते हैं 30 सेकेंड या फिर 1 मिनट की वीडियो तक, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आपको कैटेगरी आपको वही रखनी है। याद रखें वीडियो क्वालिटी है जो बेटर होनी चाहिए, वॉइस क्वालिटी भी बेटर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लोग इरिटेट हो जाते हैं अगर आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है या फिर आपकी वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं है। आप सो कर ना बोलें, अंदर से बोलें, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आपकी बातों में दम होना चाहिए, आपकी आवाज़ में ऐसे बोलना है आपको। इसके अलावा जो मेन चीज़ होती है वायरल होने के लिए वीडियो, आपके हैशटैग, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हैशटैग में क्या इस्तेमाल करना, आपको वीडियो देखना कौन से टॉपिक पर बनानी। सबसे पहले आपको ये सजेस्ट करूँगा आप वीडियो उस टॉपिक पर बनाइए जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा हो, जो एकदम ट्रेंडिंग हो। ट्रेंडिंग में जाइए, वहाँ पर देखिए कौन सा टॉपिक है, आप लोगों ने जो ट्रेंडिंग में वीडियो डाली वहाँ पर देखिए हैशटैग उन लोगों ने कौन कौन से इस्तेमाल किए, आप वो हैशटैग इस्तेमाल करिए। इसके अलावा एक हैशटैग है फॉर यू पेज, इस हैशटैग को आपको जरूर इस्तेमाल करना है अपनी हर वीडियो में। और एक चीज और ध्यान रखनी, अगर आपकी टिकटॉक की वीडियो वायरल होती है ना, तो 1 से 3 दिन के अंदर ही वायरल होगी, इसके बाद वायरल नहीं होगी। तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी, वीडियो को क्वालिटी, आवाज क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी और हैशटैग, इन चीज़ों पर, तीनों चीज़ों पर ध्यान देना है, आपकी वीडियो खुद वायरल हो जाएगी। और लोगों पर चाहे शेयर करना तो आप शेयर कर सकते हैं, अगर आपके पास ऑडियंस है कहीं तो आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन फॉलो करना, फॉलो बैक करना, एप्लीकेशन इस्तेमाल करना, वेबसाइट इस्तेमाल करना, ये सब फालतू की चीज़ है। इससे आपका जो अकाउंट का एक्सेस है वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी वेबसाइट पर जाता है, और जो आपके पास फॉलोअर्स आते हैं, जो लाइक्स आते हैं, वो सिर्फ बदले के मिलते हैं। आपका टैलेंट अच्छा नहीं लगा उनको, सिर्फ बदले का मिला है। तो अगर आपको ऐसे बदला करते रहना है तो सारा टाइम इसी में आप वेस्ट कर देंगे, और जो आपके पास असली टैलेंट है वो आप टिकटॉक पर दिखा नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, बाकी ऐसी कोई भी ट्रिक्स नहीं है। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर देना इस वीडियो को। अगर आप टिकटॉकर हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ऑल पर क्लिक कर देना हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें kingtech24.com, वहाँ पर भी अच्छी अच्छी न्यूज़ और काफ़ी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स और ऑनलाइन पैसे कमाने के भी तरीके बता देता हूँ। तो जाइए डिस्क्रिप्शन चेक करिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, लव यू, बाय बाय और टेक केयर।